राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अप्रैल माह में तुला राशि और लग्न वालों का कैसा रहेगा राशिफल, कौन से दिन शुभ रहेंगे, कौन से अशुभ, और वो क्या खास उपाय है जिसको करके तुला राशि और लग्न वाले अप्रैल माह को उत्तम फलदायी बना सकते हैं। बंधुओं, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि ज्योतिष और धर्म से की सही जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं तुला राशि और लग्न वालों के अप्रैल माह के राशिफल की चर्चा। यदि ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो तुला राशि वालों की ग्रहों का गोचर कुछ इस तरह से अप्रैल माह में रहेगा। शनि और मंगल पंचम भाव में गोचर करेंगे। मंगल 24 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके छठे भाव मीन राशि में आ जाएंगे। शनि पूरे महीने पंचम भाव में ही अपनी स्वयं की राशि कुंभ में संचरण करेंगे। राहु पूरे महीने छठे भाव में ही मीन राशि में संचरण करेंगे। 8 अप्रैल को बुध यहां पर छठे भाव मीन राशि में आएंगे। शुक्र 25 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव मेष राशि में चले जाएंगे। यदि सूर्य की बात की जाए तो 13 अप्रैल तक सूर्य छठे भाव में ही रहेंगे। राहु और सूर्य का ग्रहण योग बना रहेगा। 14 अप्रैल को सूर्य सप्तम भाव मेष राशि में आएंगे। गुरु मंगल देव की मित्र राशि मेष में सप्तम भाव में पूरे महीने संचरण करेंगे। केतु आपके द्वादश भाव में कन्या राशि में पूरे महीने संचरण करेंगे। तो इस तरह से तुला राशि और लग्न वालों के ग्रहों का गोचर अप्रैल माह में रहने वाला होगा। अब बंधुओं, प्रत्येक भाव के अनुसार राशिफल की चर्चा करते हैं। प्रथम भाव आपके आत्मविश्वास, मान सम्मान और आपके व्यक्तित्व का भाव है। इस महीने आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र पर आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। व्यापार में नए निवेश से लाभ प्राप्त होगा। इस महीने तुला राशि और लग्न वाले जातकों को नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस से आप बच करके रहें, तभी आपको इस महीने में सफलताएं प्राप्त होंगी। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति इस महीने आपको होगी। बंधुओं, बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव आपके धन का भाव है, आपकी वाणी का भाव है, आपके परिवार का भाव है। द्वितीय भाव की चर्चा करें तो इस महीने आप वाणी की मधुरता से अपने काम बना लेंगे। परिवार का आपको सहयोग प्राप्त होगा। इस महीने धन आगमन आपका उत्तम होगा, यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति में इस महीने बेहतरीन सुधार देखने को मिलेगा। बंधुओं, बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव आपके पराक्रम का भाव है, यात्राओं का भाव है, छोटे भाई बहन और मित्रों का भाव है। पराक्रम भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। पराक्रम भाव की चर्चा की जाए तो इस महीने आपके पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। कामकाजी जो भी यात्राएं होंगी इस महीने आपकी, उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि पिछले महीने आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ था तो अप्रैल माह में वो प्रमोशन आपको मिल सकता है। कार्यों की रुकावटें और बाधाएं इस महीने आपकी दूर होंगी। भाई बहन और मित्रों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। बंधुओं, बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन, माता का भाव है। चतुर्थ भाव के अधिपति शनि देव सप्तम पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। प्रॉपर्टी के मामलों में इस महीने आपको सफलता मिलेगी। पिछले दिनों आप कोई नया मकान खरीदने के सोच रहे थे तो इस महीने वो शायद आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। रियल एस्टेट से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको इस महीने लाभ प्राप्त होगा। माता के स्वास्थ्य में भी इस महीने सुधार देखने को मिलेगा। बंधुओं, बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ का भाव है, विद्या का भाव है, संतान का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है। यदि हम पंचम भाव के फलों की चर्चा करें तो स्टॉक मार्केट में लंबे समय के लिए यदि आप निवेश करते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष को इस महीने आप व्यापार में शामिल कर सकते हैं। संतान पक्ष के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। मेडिकल और टेक्निकल के जो छात्र हैं इस महीने उनको अच्छी सफलता मिलेगी।
प्रेम संबंधों में थोड़ी सी अनबन आपके बीच में आ सकती है, इसलिए थोड़ा संभल करके आगे बढ़ें। बंधुओं, बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। इस भाव के फलों की चर्चा करें तो इस महीने आपका धन आगमन बहुत अच्छा रहने वाला होगा, जैसा मैंने द्वितीय भाव की चर्चा की। इसलिए आप अपने धन का समन्वय ऐसा बना करके चले कि कर्ज लेने की स्थिति ना आए। यदि आपने कोई कर्ज ले रखा है तो उसको चुकता करने का प्रयास करें। त्वचा और गले संबंधी परेशानियां आपको इस महीने परेशान कर सकती हैं। इस महीने आपको सत्व पक्ष से सावधान रहना होगा, चाहे व्यापार हो या नौकरी। अपने विरोधियों के साथ वाद विवाद की स्थिति से आप बचकर के रहें। बंधुओं, बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन का भाव है, आपके व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। इस महीने आप गृहस्थ पक्ष में वाद विवाद की स्थिति से बचें। व्यापार की बात की जाए तो इस महीने आपके व्यापार में उन्नति होगी। व्यापार में कोई नया निवेश करते हैं, कुछ नया व्यापार एड ऑन करते हैं तो वो आपके लिए लाभकारी होगा। नौकरी से व्यापार की ओर जाना चाहते हैं तो ये अप्रैल का महीना उत्तम रहेगा, लेकिन नई साझेदारी बहुत सोच समझ करके करें। बंधुओं, बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आपके आकस्मिक घटनाओं का भाव है, रिसर्च और विदेश संबंधी मामलों का भाव है। अष्टम भाव के फलों की चर्चा करें तो इस महीने आपके रुके हुए काम, अटके हुए काम प्रयास करने से सफल हो जाएंगे। रिसर्च से जुड़े लोगों को सफलताएं प्राप्त होंगी। विदेश संबंधी मामले पिछले दिनों जो रुके हुए थे उनमें इस महीने तेजी आएगी। बंधुओं, बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव आपका भाग्य का, धर्म का और आपकी उच्च शिक्षा का भाव है, तो इस महीने धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। परिवार के साथ आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए जो छात्र प्रयास कर रहे हैं वो जल्दबाजी में इस महीने निर्णय लेने से बचें। इस महीने भाग्य का आपको उत्तम साथ मिलेगा, तो ये महीना तुला राशि और लग्न वालों के लिए उत्तम फलदायी रहने वाला होगा। बंधुओं, बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव आपकी आजीविका का भाव है, पिता का भाव है। दशम भाव पर राहु का दृष्टि संबंध है, तो व्यर्थ की चिंताओं को अपने मन पर हावी न होने दें। नौकरी और व्यापार में कोई भी निर्णय लेते हैं वो सोच समझ करके निर्णय लें। नौकरी और व्यापार में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। नौकरी और व्यापार से संबंधित रुकावटें भी दूर होंगी और इस महीने पिता का आपको सहयोग प्राप्त होगा। बंधुओं, बात करते हैं आपके एकादश भाव की। एकादश भाव के अधिपति 13 अप्रैल तक यानी सूर्यदेव छठे भाव में रहेंगे और 14 अप्रैल से वो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो 15 अप्रैल के बाद आपको विशेष लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र पर आप धैर्य बना करके सकारात्मक सोच के साथ लगे रहें तो आपके लाभ में वृद्धि होगी। बंधुओं, बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव आपके खर्चों का भाव है, आपके विदेश संबंधी कोर्ट कचहरी मामलों का भाव है। यहाँ पर केतु कन्या राशि में विराजमान है। खर्चों पर नियंत्रण रख करके चलें। विदेश संबंधी मामलों में इस महीने आपको सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी में यदि आपका कोई विवाद चल रहा था तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो बंधुओं, हमने तुला राशि और लग्न वालों का प्रत्येक भाव के अनुसार अप्रैल माह का राशिफल की चर्चा की। अब बात करते हैं शुभ दिनों की। इस महीने 6, 9, 10, 14, 17, 18, 20, 23, 25 और 28 ये तारीख आपके लिए शुभ रहेंगी। वहीं अशुभ तारीखों की बात करें तो 3, 4, 11, 12, 21, 22 और 30 तारीख ये तारीखें आपके लिए अशुभ रहेंगी। इनमें थोड़ा सा संभल करके आप रहें। नौकरी और व्यापार में वाद विवाद की स्थिति से बचें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं तो अप्रैल माह उत्तम फलदायी होगा। बंधुओं, यदि विशेष उपायों की बात की जाए तो तुला राशि और लग्न वाले इस महीने दुर्गा जी की उपासना करें। नवरात्र का पावन पर्व है, महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करें और कन्याओं को खीर का दान दें तो ये महा आपके लिए उत्तम फलदायी होगा। बंधुओं, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप सभी को नव संवत्सर
पर्व और चैत्र नवरात्र की मंगलमय शुभकामनाएं। राधे राधे।